1945 से लेकर 1992 के बीच यूएस आर्मी ने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे, हवा, जमीन, पानी, इन सब पर। इन न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करते हुए काफी सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि वातावरण और इंसानों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन हर बार चीजें वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के हिसाब से हो ऐसा जरूरी नहीं। मार्च 1, 1954 को हुआ एक न्यूक्लियर टेस्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक छोटे से टापू पर इस दुनिया का सबसे पहला थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया कैस्टल ब्रावो। ये थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब करीब 5 फीट चौड़ा और 24 फीट ऊंचा था। कैलकुलेशन के हिसाब से इस 30 टन के बॉम्ब को करीब 5 मेगाटन का एक्सप्लोजन करना था। लेकिन जब इसे टेस्ट किया गया तो साइंटिस्ट के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि इस बॉम्ब के फटने पर करीब 15 मेगाटन की एनर्जी निकली। साइंटिस्ट की इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन की वजह से वहां के आसपास के आइलैंड्स और वहां रह रहे लोग सभी रेडिएशन के चपेट में आ गए, जिसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स वो आज भी भुगत रहे हैं।